तो मैंने आज से कम 2 साल पहले एक वीडियो बनाया था, जिसके ऊपर मैं फिर से आज एक वीडियो बना रहा हूँ। तो बहुत सारे लोगों का क्या हो रहा है कि उस वीडियो से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रहा है। तो मैं सबसे पहले आपको वो वीडियो दिखा देता हूँ। ये जो वीडियो है, ऑलमोस्ट 2 ईयर्स पहले मैंने इसको अपलोड किया था। तो आप देख सकते हैं इसमें 131K व्यूज़ आया है और यहाँ पे 2 ईयर्स लिखा हुआ आ रहा है। तो ये वीडियोज़ में मैंने ये बताया था कि जो बायोस होता है वो क्या होता है, कभी कभी अपने आप लॉक हो जाता है, या फिर जब हम दूसरा विंडोज डालते हैं और उसके बायोस के साथ वर्जन मैच नहीं करता है, तो क्या होता है, हमारा सिस्टम लॉक हो जाता है और उसके लिए एक पासवर्ड मांगता है, बायोस एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड। तो बहुत सारे लोगों का जो दिक्कत है इससे सॉल्व हो गया, लेकिन बहुत सारे जो अलग मॉडल वाले हैं, इसमें क्या है कि जनरली मैंने HP वाले लैपटॉप के लिए बताया था। तो जिनका HP नहीं है या फिर HP का अलग मॉडल है, उनका लिए ये वीडियो काम नहीं कर रहा था। तो चलिए हम देखते हैं कि आज अगर मैं जानबूझ के बायोस में पासवर्ड लगा देता हूँ और उसको मैं फिर से जो बायोस बग इस वाले जो वीडियो में मैंने जिस वेबसाइट के बारे में बताया था, तो जानबूझ के पासवर्ड लगाने के बाद भी क्या बायोस बग उसको क्रैक कर पाता है और हम मुझे बिना पासवर्ड के ही लॉगिन करने का ऑप्शन देता है कि नहीं, तो उस चीज़ को ही मैं चेक करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपने सिस्टम को रिस्टार्ट कर लेता हूँ। रिस्टार्ट करके मैं बायोस में जाने की कोशिश करता हूँ। तो रिस्टार्ट कर लेता हूँ अपने सिस्टम को, और जैसे ही डिस्प्ले पे कुछ प्रेस करने के लिए दिखाएगा, मेरे में स्केप आता है बायोस में जाने के लिए, तो मैं स्केप पे पहले से ही फिंगर रख के रखा हूँ और अभी ऑन होने वाला है। तो यहाँ पे मैंने स्केप प्रेस कर दिया है, फिलहाल बायोस में आ चुका हूँ और यहाँ पे बायोस का स्टार्टअप मेनू है। तो यहाँ पे मुझे करना क्या है, जो जनरली लॉक होता है वो बायोस सेटअप में होता है, यानी F10 में, वहाँ पे दिखा रहा है कि F10 यानी बायोस सेटअप खोलने के लिए मुझे F10 कीबोर्ड पे प्रेस करना होगा। तो मैं यहाँ से F10 प्रेस कर देता हूँ। फिलहाल यहाँ पे कोई पासवर्ड नहीं है इसलिए ये आराम से खुल गया, लेकिन जिनका लॉक होता है यहाँ पे ही कि F10 प्रेस करने के बाद उनसे पासवर्ड मांगा जाता है। कहता है एरो की के मदद से सिक्योरिटी में जा रहा हूँ, और वहाँ पे अभी देख सकते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड है वो क्लियर किया हुआ है, यानी कि पासवर्ड नहीं है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, एंटर प्रेस करके एक नया पासवर्ड डाल देता हूँ। तो मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ 1, 2, 3, 4 एंड 5। सेम चीज़ मैं कंफर्म पासवर्ड में भी डाल देता हूँ। तो मैं यहाँ एंटर और फिर कंफर्म पासवर्ड में भी 1, 2, 3, 4 एंड 5 डाल देता हूँ, जिसको सेव करने के लिए मैं कंटिन्यू एंटर मारता हूँ। और अभी यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पासवर्ड एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड को सेट कर दिया है। और अभी अगर कोई बायोस सेटअप खोलना चाहता है तो उसको पासवर्ड डालना होगा, एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड जो है 1, 2, 3, 4, 5। तो ये मुझे पता है पासवर्ड यही है, लेकिन अब मैं क्या करूँगा, रॉन्ग पासवर्ड डाल के पहले वहाँ से इरोर कोड को लूँगा। पहले F10 से सेव कर देता हूँ एंड एग्जिट कर देता हूँ, और मैं फिर से क्या कर रहा हूँ, स्केप प्रेस करके बायोस में फिर से जा रहा हूँ क्योंकि सिस्टम फिर से रिस्टार्ट हुआ। अभी मैं यहाँ पे फिर से बायोस सेटअप खोलने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे F10 प्रेस करने बोल रहा है, तो मैं F10 प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पे आ रहा है एंटर एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड। पिछली बार पासवर्ड नहीं था तो ये ऑप्शन नहीं आ रहा था, हालांकि मुझे पासवर्ड पता है, लेकिन मैं यहाँ पे इनवैलिड पासवर्ड ट्राई कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे जानबूझ के एंटर 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 मतलब रॉन्ग पासवर्ड अटेम्प्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ से एक इरर कोड मुझे मिल गया, सिस्टम डिजेबल कोड। तो मैं इसको नोट डाउन कर लेता हूँ। तो मैंने जो सिस्टम डिजेबल कोड था उसको मैंने नोट डाउन कर लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, सिस्टम को वापस से रीस्टार्ट करता हूँ। तो पावर बटन को 3 सेकेंड्स तक प्रेस करके रखना है। सिस्टम बंद हो गया। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रीस्टार्ट कर रहा हूँ। अभी सिस्टम को नॉर्मली ऑन होने देता हूँ। जैसे ही ऑन होगा उसके बाद मैं अभी बायोस में नहीं जाने वाला, अभी मैं जाऊँगा गूगल क्रोम पे, और गूगल क्रोम से क्या करूँगा, जो हम मैंने इरोर कोड या फिर डिजेबल कोड मुझे मिला है उसको वहाँ बायोस बग के वेबसाइट पर डाल के
मैं अपने लिए एक की जनरेट करूंगा ताकि मैं उसको बाईपास कर सकूं। तो यहाँ मैंने वापस से अपना लैपटॉप नॉर्मली खोल लिया है, और खोलने के बाद मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ से मैं गूगल क्रोम खोल लेता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ बायोस बग सर्च कर देता हूँ, और यहाँ पे जो सबसे पहला वाला वेबसाइट दिख रहा है बायोस बग नाम का, उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो लास्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है लेगेसी बायोस अनलॉक, मैं उस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं अपना मॉडल एचपी का 8 डिजिट बायोस अनलॉक कोड मुझे मिला है, तो मैं 8 डिजिट वाले जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको जो 8 डिजिट आपको इरोर कोड मिला था वो डालने का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ से मैं इस इरोर कोड को डाल देता हूँ। तो स्टार्टिंग में जो आई लिखा हुआ था या फिर एल लिखा हुआ था वो मुझे नहीं डालना है, बस नंबर ही डालना है। तो नंबर क्या था, 6874 7264। यहाँ पे मैं सेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जो की है वो जनरेट होना शुरू हो गया है। तो मैं इस की को भी नोट डाउन कर लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, क्लोज कर देता हूँ, सिस्टम को वापस मैं रीस्टार्ट कर रहा हूँ ताकि मैं बायोस में जाके वापस ये जो हमें कोड मिला है उसको डाल, फिर से मैं यहाँ पे एस्केप का बटन प्रेस करके बायोस वापस से ऑन कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं बायोस सेटअप के ऑप्शन पे आ चुका हूँ, तो यहाँ पे फिर से मैं F10 प्रेस कर लेता हूँ। और यहाँ पे मुझे पासवर्ड हालांकि पता है 12345 था, लेकिन मैं बायोस बग के थ्रू जो जनरेट हुआ है की उसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 7762586 0। तो ये की मुझे बायोस बग ने दिया है जबकि मेरा पासवर्ड अलग था, पासवर्ड मैंने आपके सामने ही टाइप किया था 12345। अभी मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो बायोस का जो भी पासवर्ड लगा हुआ था उसको मैंने बाईपास कर लिया है बिना एग्जैक्ट पासवर्ड डाले हुए। एक बार यहाँ पे आप लॉगिन कर लेते हैं या फिर एक बार एक्सेस मिल जाता है तो आपको क्या करना है, इधर में सिक्योरिटी में जाके आपका जो बायोस पासवर्ड है उसको क्लियर कर लेना है अगर लगा हुआ है तो।